नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं तुषार शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बच्चों के मामूली कासुनी के बाद दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट और जमकर पथराव हो गया। पथराव में एक महिला समेत कुल 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां एक महिला की गंभीर हालत के चलते उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस पीड़ित पक्ष की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? आवाज। किस मोहल्ले से हैं? सिद्दीक नगर जनपद। ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में आप बताएं जरा। जी, हमारा छोटा भाई चीनी लेने गया था, तो उससे पहले तो बदतमीजी करी, फिर हम शिकायत करने गए तो हमसे चढ़ाई कर ली सारे बैठ बन, और चाकू पाकू हमारी मम्मी के ज़्यादा लग गए, चाकू मारा। कितने लोग थे? 5। इस मामले में कोई शिकायत करी क्या पुलिस से? हाँ, रिपोर्ट हो गया। रिपोर्ट हो गया। और अधिकारियों को कहना है कि मामले में आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैम, एक पथराव हुआ है एक मोहल्ले में, क्या है पूरा मामला, कितने लोग घायल हैं और क्या गिरफ्तारी हुई अब तक? ये सद्दीक नगर थाना क्षेत्र सिकंदराबाद में एक दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था, बच्चों को लेकर, बच्चों के खेलकूद में कुछ बातचीत हुई, उसके बाद आपस में ऊपर झगड़ा हो गया, जिसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई थाने में की जा रही है। एक महिला घायल है जिनके आँखों में चोट होना बताया जा रहा है, उनको मेडिकल के लिए आगे भेज दिया गया और जो भी लीगल कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। अब तक मैम इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है? अब तक एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया है, उससे पूछताछ करके जो भी उसका रोल होगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।